देखिए, कोई भी एसक्यूएल क्वेरी आपको लिखनी है एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट में, जो एसक्यूएल सर्वर है, मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास ये रिकॉर्ड है। तो अभी इसमें और भी रिकॉर्ड हम फिल कर लेते हैं। ये हमारे पास टेबल बनी हुई है, ठीक है, और यहाँ पर और भी कुछ रिकॉर्ड्स हम फिल करेंगे। जैसे 11 कर लेते हैं यहाँ पर, यहाँ पे 4 कर लेते हैं, यहाँ पे रिंकू कर देते हैं रिंकू, और यहाँ पर 10th कर देते हैं, ये 10th हो गया, और यहाँ पे 5 करते हैं, यानी रजिस्ट्रेशन आईडी 5 है, ठीक है, और यहाँ पे नाम है रीमा, ठीक है, और यहाँ पर जो क्लास है वो 12th है। तो इस तरीके से कुछ रिकॉर्ड हमने यहाँ पे आ गए हैं हमारे पास। अब हमको यहाँ पर इसके लिए एसक्यूएल क्वेरी लिखनी है, ठीक है। तो सबसे पहला काम आपको ये देखना है कि टेबल का नाम क्या है। तो यहाँ पर टेबल का नाम आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है, ये देखिए मैं नीचे दिखा भी दे रहा हूँ। इसी को हम कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से जाते हैं, राइट क्लिक करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं। स्टूडेंट टेबल 1 है, देख लीजिए यही है, ठीक है। अब करना क्या है हमको कि यहाँ पर एक क्वेरी लिखनी है। तो क्वेरी, यहाँ से न्यू क्वेरी पे जाएंगे और एक क्वेरी हम बनाएंगे, ठीक है। अब इसमें केवल एक रिकॉर्ड सेलेक्ट करना है, ठीक है, और वो भी कौन सा रिकॉर्ड, जिसका जो रजिस्ट्रेशन आईडी है वो 3 हो, वही रिकॉर्ड केवल सेलेक्ट करना है, ठीक है। एक बार इसको देख सकते हैं हम कि यहाँ पर रजिस्ट्रेशन आईडी डाली गई है, तो जिसकी रजिस्ट्रेशन आईडी 3 है वही रिकॉर्ड केवल सेलेक्ट करना है। तो कैसे सेलेक्ट करेंगे, देखिए बहुत आसान है, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ सेलेक्ट लिखेंगे, सेलेक्ट हो गया, SELECT, ये हो गया सेलेक्ट, और एस्ट्रिक लगाएंगे। अगर पूरा रिकॉर्ड देखना है तो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, टेबल का नाम देंगे तो टेबल का नाम क्या है, तो टेबल का नाम यहाँ पेस्ट कर देते हैं जो भी था हमारा, ठीक है। तो ये हमारे टेबल का नाम है, तो इसको यहाँ पे नहीं रखना, यहाँ पे नहीं रखना, ये चीज ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसको कहाँ रखना है, इसको यहाँ पे सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, और फिर यहाँ पे टेबल का नाम आएगा, तो यहाँ पर रखना है इसको, ठीक है। और यहाँ से टर्मिनेशन देकर के अब इसको सेलेक्ट करिएगा और सीधा यहाँ से एक्सिक्यूट करिएगा। तो एक्सिक्यूट करते ही पूरी टेबल नीचे आ रही है कि नहीं आ रही है, आ रही है ना। अब देखिए, केवल एक ही रिकॉर्ड सेलेक्ट करना होता तो क्या करते, जैसे मान लीजिए कि रोल नंबर 2 वाले का ही करना होता, ठीक है। तो यहां पर ये जो सेमी कॉलन दिया ये ना दे करके एंटर करते नीचे आते, यहां पे लिखते वेयर, ठीक है, और रजिस्ट्रेशन आईडी है ना, तो यहां पे करते रजिस्ट्रेशन, ये यूनिक की है, प्राइमरी की है, इसे हमने प्राइमरी की बनाया है, तो यहां पर रजिस्ट्रेशन आईडी आ भी जाता है। रजिस्ट्रेशन आईडी इज इक्वल टू क्या करेंगे, 2 कर देंगे, ठीक है, ठीक है ना। यहाँ पे टर्मिनेशन देंगे और इस पूरे टेबल को अब इस तरीके से पकड़िए और यहां से एक्सिक्यूट कर डालिए। तो देखिए केवल एक रिकॉर्ड आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। इसी तरीके से अगर आपको 3 वाले का करना है तो 3 वाला कर सकते हैं, यहां पर ये भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे तो रजिस्ट्रेशन आईडी हमने ले लिया, ठीक, अब तो केवल रजिस्ट्रेशन आईडी चेंज करने की जरूरत, ठीक है। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन आईडी लिखा है ना 2, यहाँ पे हम 3 कर देंगे। जैसे अभी उधर पहले मैं 3 की बात कर रहा था, तो अब क्या करना है, अब यहाँ 3 कर दिया, तो यहाँ से एक्सिक्यूट करेंगे तो क्या होगा, केवल 3 वाला आएगा। अब ये सेलेक्ट करना कोई जरूरी नहीं, यहाँ पर भी कर्सर है आपका इस लाइन में तो भी कोई दिक्कत नहीं। देखिए सेलेक्ट किया तो केवल कौन सा आ रहा है, 3 वाला ही आ रहा है रिकॉर्ड। युवराज है क्लास 11th के, जिनका की रजिस्ट्रेशन आईडी 3 है, जिनका की नाम क्या है, युवराज है। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी के साथ आप कर सकते हो, ये बहुत ईजी है, ठीक है। अब देखिए, अब अगर मान लीजिए कि आप एड कराना चाहते हो किसी टेबल को, अगर आप एड कराना चाहते हो तो कैसे एड कराएंगे, तो यहाँ पे अल्टर कमांड चलाएंगे। तो यहाँ पे लिखा अल्टर, ठीक है, और टेबल का नाम, तो अल्टर टेबल, टेबल का नाम क्या क्या देंगे, तो टेबल का नाम हमारे है यहाँ पर स्टूडेंट टेबल 1, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट टेबल 1, और एंटर करके नीचे आइएगा। अब यहाँ पर एड लिखेंगे, और कौन सा कॉलम एड कराना है बेटा, तो यहाँ एड कॉलम, कॉलम कौन सा एड कराना है, जैसे मान लीजिए हमें एड कराना है सिटी, स्टूडेंट की सिटी एड करानी है, तो यहाँ पे सिटी कर दिया। लेकिन सिटी का डेटा टाइप भी तो होना चाहिए, तो सिटी का डेटा टाइप हम कैर रखते हैं। अब कैर में वेर कैर में अंतर होता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे केवल आपको कॉलम का नेम भर देना है, देखिए यहाँ पे कॉलम का नेम हमने दे दिया, और यहाँ पे डेटा टाइप मेंशन किया, देखिए ये डेटा टाइप है, कैर लिया हमने। अब कैर में और वेर कैर में काफी अंतर होता है, ये तो आपको पता ही है, क्योंकि कैर जो है मेमोरी को रिलीज नहीं करता, इन केस ऑफ वेर कैर मेमोरी को रिलीज कर देता है। तो यहाँ पे रहते हुए अब बस एक्सिक्यूट करना है आपको, देखिए ये जादू हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कमांड्स कंप्लीटेड सक्सेसफुली, यानी कि एक और जो है इसमें ऐड हो गया, क्या ऐड हो गया, कॉलम ऐड हो गया, ठीक है। अब इसको देखना है कॉलम को, तो क्या करेंगे, अब यहां पर आप वापस से सेलेक्ट यूज कीजिए, सीधा सेलेक्ट लिखिए एस्ट्रेक फ्रॉम, अब टेबल का नाम देना है, तो टेबल का नाम ये है हमारे स्टूडेंट टेबल 1, और यहां से टर्मिनेशन देकर के यहां से एक्सिक्यूट करिए, ठीक है। तो जैसे ही एक्सिक्यूट करेंगे तो पूरा टेबल जो है, जो भी इसमें एलिमेंट्स ऐड हुए हैं वो भी ये दिखाएगा। अभी यहां से जाना है इसको, इस तरीके से एक्सिक्यूट करना है, तो देख सकते हैं यहाँ पे सिटी भी ऐड हो चुका है। अब इसमें अपडेट यूज कर सकते हैं हम, अपडेट कैसे यूज करेंगे, तो देखिए यहाँ
इसके लिए सबसे पहले अपडेट कमांड लिख दीजिए और यहां पर आपको देना है टेबल का नाम। तो हमारे केस में टेबल का नाम तो यही है स्टूडेंट टेबल वन, और फिर आपको प्रेस करना है एंटर। जैसे ही एंटर प्रेस करते हैं तो यहां पर आने के बाद यहां पे सेट चलाइए, सेट कमांड, ठीक है। क्योंकि सेट ही करना है तो सेट कर देते हैं यहां पे, और किसको सेट करना है, सिटी को सेट करना है, ठीक है। तो सिटी यहां पे लिखा और इज इक्वल टू, फिर सिटी का नाम देना होता है आपको, ठीक है। अब क्योंकि सिटी जो है एक स्ट्रिंग है तो यहां पर जो है इसे डबल कॉमा या सिंगल कॉमा के अंतर्गत आपको लिखना रहेगा, ठीक है। इसे आप लिख दीजिएगा और लिखने के बाद क्या करना है, यहां पर कंडीशन दी जाएगी, ठीक है। तो कंडीशन कैसे देंगे, तो कंडीशन देने के लिए यहां पे लिखिएगा वेयर, ठीक है। यहां पे आकर के लिख दीजिएगा वेयर, डब्ल्यू एच ई आर ई, और चूंकि यहां पे देख सकते हैं कि यहां पर रजिस्ट्रेशन आईडी दी गई है, फील्ड का नाम क्या है, रजिस्ट्रेशन आईडी, तो यहां पे रजिस्ट्रेशन आईडी को ही हमें उठाना है। तो यहां पे रजिस्ट्रेशन आईडी जैसे लिखा गया वैसे ही लिख दीजिएगा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा कि दो बार तीन बार गैपिंग ना होने पाए, ठीक है। तो यहां पर लिखिएगा रजिस्ट्रेशन अंडरस्कोर आईडी, तो बस ये लिख करके इज इक्वल टू, अभी मान लीजिए वन में हमें करना है तो यहां वन कर दिया। अब इसको चलाना है तो पूरे को सेलेक्ट करिए और यहां से एक्सीक्यूट कर दीजिए। यहां पर देख सकते हैं इसको जब हम चलाते हैं, मैं फिर दिखाता हूं एक बार, तो ये एरर जनरेट कर रहा है। अब ये एरर क्यों जनरेट करता है, क्योंकि यहां पे हमने डबल एटेड कॉमा लगा दिया, यहां पे सिंगल ही आप लगाइए, ठीक है। यहां पे डबल ना लगा करके क्या लगाना है, सिंगल ही लगाना है। और जैसे ही आप सिंगल लगाते हैं तो आप देखेंगे कि यहां पर ये एक्सीक्यूट हो जाएगा और हमारा प्रोग्राम चल जाएगा, ठीक है। तो अभी तक तो कुछ भी नहीं था सिटी में, तो यहां देखिए वन रो अफेक्टेड हो गया तुरंत। और अब अगर हम यहां पर सेलेक्ट करते हैं इस टेबल को, तो आप देख पाएंगे कि पहले वाले में रिकॉर्ड फेल हो गया देवरिया, देखिए हो गया ना। अब इसी तरीके से दूसरे में करना है तो दूसरे में खाली यहां पे रजिस्ट्रेशन आईडी टू कर दीजिए, और यहां पर आकर के दूसरे में मान लीजिए लखनऊ करना है तो यहां पे लखनऊ कर देता हूं, एल यू सी के एन ओ डब्ल्यू, ये लखनऊ कर दिया। अब इसको सेलेक्ट कीजिए और सेलेक्ट करके फिर चला दीजिए, एक बार एक्सीक्यूट कर दीजिए, एक्सीक्यूट हो गया, यानी दो दो रो अफेक्टेड हो गए। अब देखिए पहला रो तो पहली बार अफेक्टेड हुआ था, आपको दिखाई था, अब देखिए इसमें दूसरे में लखनऊ आ गया। इसी तरीके से चेंजेस आप करते चलिए, तीसरे में क्या करना है, तीसरे में यहाँ पे चेंज किया, जैसे मान लीजिए तीसरे में वाराणसी करते हैं, वाराणसी वाराणसी, ठीक है, तो ये वाराणसी किया और यहाँ पे थर्ड कर दिया है, देख सकते हैं। अब इसको चलाते हैं तो देखिए फिर ये अफेक्टेड हुआ, और फिर इसको सेलेक्ट करेंगे आप तो आप देख पाएंगे कि इसमें चेंजेस हो गए, यहाँ पे वाराणसी जो है आ चुका है, यानी अपडेट हो गया ये। इस तरीके से आपको करना है, समझ में आ रही बात कि नहीं। अब देखिए यहां पर फिर चेंज कर रहा हूं, फोर करता हूं और यहां पे गोरखपुर कर देता हूं, गोरखपुर, ठीक है। तो ये देखिए इसको हटाया, यहां पे लिखा जी ओ आर ए, ठीक है, के एच पी यू आर, हो गया गोरखपुर। अब यहां फोर कर दिया है तो ये जब चलाएंगे तो इसमें ये भी अफेक्टेड हो जाएगा, तो देखिए वन अफेक्टेड हो गया। और अब इसको सेलेक्ट कीजिए और यहां से इसे एक्सीक्यूट कीजिए, तो देखिए यहां गोरखपुर तक आ गया। अब बाकी एक और बचा है तो उसमें सेम देवरिया ही भर देते हैं, ठीक है। तो यहां पे फाइव कर दिया और यहां पे जाकर के इसको चलाएंगे, यहां पे देवरिया ही भर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया देवरिया। तो इस तरीके से आपको करना है, आप इसको सेलेक्ट कीजिएगा और चलाइएगा तो आप देखिएगा कि यहां पर ये अफेक्टेड हो गया, और यहां से जब सेलेक्ट कीजिएगा सेलेक्ट, तो ये देखिए सब में रिकॉर्ड फिल हो गए। तो इस तरीके से आप अपडेट भी कर सकते हैं, एक्स्ट्रा कॉलम जो भी आपको लेके आना हो, ठीक है, एक्स्ट्रा कॉलम जब भी आपको लेके आना हो आसानी से लेके आ सकते हैं। आई होप कि आपको पूरी बात क्लियर हो गई होगी अब, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।